तो फिर आप सबसे पहले बताओ, जैसे अभी आनंद ने दिखाया है एग्जाम्पल 18, 19, 20, क्या प्रॉब्लम हुआ है उसमें आनंद? एग्जाम्पल, सर क्वेश्चन लिखे हैं 3.2 का। अच्छा, नहीं, आनंद, आनंद कुमार ने लिखा एग्जाम्पल नंबर 19। सर वो मतलब हमको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आया अच्छे से। देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ, अब देखो, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आप लोग थोड़ा फंस सकते हो बोर्ड्स में। जेई वगैरह में तो ऐसा सच कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, और कहीं ना कहीं ये एक वर्ड प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं ये एक वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो हमको वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ता है मैट्रिक्स में। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे अपन लीनियर इक्वेशन वगैरह नहीं करते थे कि हमें स्टेटमेंट दिया है, हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, उसके बाद हमने कन्वर्ट किया, लीनियर इक्वेशन वगैरह बनाए, सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे आप को जो वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्या है कि मान लो कि अगर ये क्वेश्चन कल को अपन जेई में आ भी जाता है, तो मैट्रिक्स में नहीं करके हम लीनियर इक्वेशन बना के ही सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे भी मैट्रिक्स चैप्टर में भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है? तो हम वहां पे मैट्रिक्स बनाएंगे नहीं, आपको दिक्कत हो रही है मैट्रिक्स वगैरह को सोचने में। तो जनरली हमारा यहाँ पे टारगेट होगा वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में। एंड जब जनरली जब मैट्रिक्स होता है, तो इट्स लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में आता है, और वही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है, इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन थ्री वेज। एक असेंबली ने एक पॉलिटिकल ग्रुप एक ग्रुप ने एक पीआरओ, मतलब वो जो इमेज वगैरह सही करते हैं, जैसे सब जैसे सारे नेता नलायक होते हैं, लेकिन उनका इमेज, जैसे अभी अपन देख लो सोशल मीडिया हो गया या न्यूज हो गया, न्यूज में आपको सरकार के अगेंस्ट कुछ सुनाई सुनाई नहीं देता है, राइट? क्योंकि उन्होंने पैसे दे के रखे हुए हैं, वही सब पब्लिक रिलेशंस होता है। तो यहाँ पे इन्होंने तीन तरीके से अपने कैंडिडेट को प्रमोट करने का तरीका ढूंढ रखा है, एक टेलीफोन, एक हाउस कॉल और एक लेटर। तो पहला चीज बोला हुआ है, द कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट इन पैसे इन गिवन मैट्रिक्स इज दिस। मतलब कि अगर टेलीफोन से कॉन्टेक्ट करेगा तो 40 पैसा पर कॉन्टेक्ट पर इंसान कह सकते हो। यहाँ पे 100 अगर हाउस कॉल होता है, तो हाउस कॉल का मतलब घर पे जाके एक तरीके से, ठीक है? तो 100 पैसा लगेगा, मतलब 1 रुपया लगेगा। और अगर चिट्ठी भिजवाते हो तो 50 पैसा लगेगा। दूसरी चीज बोली हुई है कि वहां पे द नंबर ऑफ कैन द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन टू सिटीज एक्स एंड वाई, दो सिटीज में नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट थे अलग अलग टाइप के, टाइप्स मतलब वही टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर वाले, तो उसको इस फॉर्म में लिखा गया। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताता था कि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ सम वैल्यूज, और वो वैल्यूज किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट। ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट। बी मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट। वहां पे कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है? उसके बाद ये जो एक्स के लिए ये पहला रो है, वाई के लिए दूसरा रो है। तो इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन पता चलेगा अनंत, की पहला रो में जो 1000 लिखा हुआ है, वो 1000 क्या है? वो जो एक्स के टेलीफोन वाले कॉन्टेक्ट है। ये 500 कौन है? एक्स के हाउस कॉल वाले कॉन्टेक्ट है। और 5000 कौन से है? एक्स के लेटर वाले कॉन्टेक्ट है। सिमिलरली अगर आप नीचे जाओगे तो सेम वाई के लिए भी, वाई सिटी के लिए भी आ रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल अमाउंट बताइए, आपने कितना खर्च किया होगा दोनों सिटीज में, टोटल अमाउंट आपने कितना खर्च किया होगा? अब अगर आनंद एक बार अनम्यूट कीजिएगा, यस सर। अगर आपसे सिंपल पूछो कि आप छपड़ा में लोगों को फोन करवाने वाले हो, ठीक है, और बोलने वाले हो कि हम इलेक्शन पे खड़े उतर रहे हैं, हमें वोट दीजिए, आपको पर इंसान 40 पैसे का खर्च है, और छपड़ा में आपके पास 1000 लोगों को कॉल करना है, तो कितना रुपया लगता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई, तो कहने के लिए 40 जो है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हजार है, के साथ ठीक है? इसके बाद अगला वैल्यू जो ये 100 है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 500 के साथ, 500 के साथ। और ये लास्ट वाला, ये 50 वाला, 5000। और ये सब हम इंडिविजुअल कॉस्ट निकालेंगे। अगर आपने आपको एक्स सिटी
सिटी में टोटल कॉस्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर सर सम कर देंगे, सब सम कर दोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको x के लिए वैल्यू मिल जाएगा। क्या सेम तरीके से आप y के लिए वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज जो रियलाइज करने वाली है वो ये है कि हम जो ये वैल्यूज निकाले हैं ये a और b का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से नहीं हुआ क्या? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी हम क्या करते हैं, हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एड मल्टीप्लाई करके फिर एड करते रहते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो कहने के लिए आपका a इंटू b, a इंटू b से आपको क्या मिलने वाला है, आपको वहां से कॉस्ट मिलेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे a इंटू b लिखोगे या आप b इंटू a लिखोगे, ये भी एक अगला छोटा सा डिसीजन आपको लेना पड़ता है। अब जैसे a की बात करें तो a का ऑर्डर है 3x1, b की बात करें तो b का ऑर्डर है 2x3। आप बताओ कि b क्रॉस a लिखा जाएगा कि a क्रॉस b लिखा जाएगा? b क्रॉस a, b क्रॉस a, बिकॉज b के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और a के जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम है, इक्वल है। तो b क्रॉस a जब लिखोगे, मान लो उससे आया मेरा c मैट्रिक्स, वो c मैट्रिक्स का फिर ऑर्डर कितना होगा? सर उसका ऑर्डर हो जाएगा 2x1। ठीक है ना, तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट आएंगे, एक x का कॉस्ट आएगा और एक y का कॉस्ट आएगा। जब आप उस दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, रिया थोड़ा सा पहले ज्वाइन करते, देखो तो कौन सा एग्जांपल कर रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है ना टाइम पे ज्वाइन करो। एग्जाम्पल नंबर 19 ही चल रहा था, फिर आपने अभी मैसेज के एग्जाम्पल नंबर 19, एक्सरसाइज का 19-20-21 अभी दिखा रहा हूं, अभी दिखा रहा हूं 18-19-20-21 पूछा था। अच्छा, तो ये क्लियर है लिया फिर? यस सर। ओके, तो जो सबके मैसेजेस आए हैं उसके बेसिस पे 18 से लेके 21 तक के क्वेश्चंस मुझे करने हैं, 18 से लेके 21 तक। अब सुनो, थॉट प्रोसेस क्या होगा इन सब क्वेश्चंस के टुवर्ड्स, उस पे फोकस होना चाहिए। थॉट प्रोसेस क्या होगा इसको सॉल्व करने का? हाँ ठीक है अंजन, तो 0 - 10 - 10 - 0। ओके, तो गाइस देखो, ये मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ था और मुझे प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था मुझे, मुझे ये प्रूफ करना था दैट i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a इनटू क्या था, इनटू के बाद cos माइनस sin, sin cos। ओके, सो दो तीन चीजें अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहला कि आप बताओ, ये जो हमको प्रूफ करना है, जो जो लोग फंसे हैं, मैं सबसे एक बार जानना चाहूंगा आपका स्टार्टिंग स्टेप क्या था। आकाश, स्टार्टिंग स्टेप क्या था आपका, आपने शुरुआत क्या किया था? आप लेफ्ट हैंड साइड से आरएचएस को प्रूफ कर रहे थे कि आरएचएस से एलएचएस को प्रूफ कर रहे थे? आकाश, क्या हुआ, ये मेरे को आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, अभी तो आ रही थी आनंद की आवाज।
गाइस आप लोगों को हेलो सर। हाँ आकाश, हाँ हेलो सर ही सुनाई दिया, उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया। ये लगता है मेरा फोन खराब हो गया। आनंद कुमार एक बार बोलिएगा तो सर। आनंद कुमार का तो आवाज आ रहा है मेरे को। आकाश का इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। एनीवन एल्स? आनंद कुमार आप बताओ कि आपका आप स्टार्टिंग कैसे किए थे इस क्वेश्चन का? सर हम पहले एलएचएस को सॉल्व किए थे। अच्छा ठीक है, और उससे कोशिश कर रहे थे आरएचएस निकालने का। यस सर। ओके गाइस याद करो, मैंने जितने भी प्रूफ के क्वेश्चन किए हैं अगर आप थोड़ा याद करोगे तो मेरी कोशिश ये होती थी कि जहां पे ज्यादा एक्सप्रेशंस है मैं वहां से शुरुआत करता हूँ और उसको सिंप्लीफाई करके छोटे एक्सप्रेशंस लाता हूँ। अब चाहे एलएचएस में बड़ा एक्सप्रेशन हो चाहे आरएचएस में बड़ा एक्सप्रेशन हो, मेरी कोशिश यही होती है कि हम शुरुआत करेंगे तो मान लीजिए कि एलएचएस में बड़ा एक्सप्रेशन है तो एलएचएस के एक्सप्रेशन से शुरू करके आरएचएस पे जाएंगे। मान लो अगर आरएचएस में बड़ा एक्सप्रेशन है तो आरएचएस से शुरू करके हम एलएचएस में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। आप खुद ही सोचो यार, आपको यहाँ से यहाँ जाना कैसे ईजी हो सकता है? यहाँ पे ऑन एलएचएस यू आर जस्ट डूइंग एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, whereas on right hand side आप दो काम कर रहे हो। पहले तो subtraction, bracket वाली चीज पहले solve करते हैं हम लोग, तो पहले तो subtraction हो रही है, उस subtraction के बाद multiplication हो रही है, तो वहां पे तो ज्यादा complicated चीजें हैं। और भी complications अगर realize करनी है तो ये complication भी है कि i minus a में जो angles आएंगी वो alpha by 2 होंगे, लेकिन उधर जो angles है वो alpha है, तो double angle है वहां पे, right? अच्छा, तो अब यहाँ पे दो तीन चीजें जो दिमाग में आनी चाहिए कि सबसे पहले तो हम इसको आरएचएस से शुरू करेंगे। We will start from RHS. तो चलो मैं आई माइनस ए का वैल्यू लिख रहा हूँ। ए ऊपर पता है, आई अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई माइनस ए लिखेंगे तो ये वन हो जाएगा। दिस विल बी टेन अल्फा बाई टू, दिस विल बी माइनस टेन अल्फा बाई टू, एंड लास्टली दिस विल बी जीरो। ठीक है ना, इसके साथ अपना ये मल्टीप्लाई होने वाला है। सर वो भी वन होगा ना, ये आइडेंटिटी वन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है, रो बाय कॉलम, राइट? तो मैं जल्दी जल्दी फिर ऐड कर लेता हूँ। कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, ठीक है? तो एक चीज अगर आप रियलाइज करोगे तो ये दोनों चीजें सेम है, और कहने के लिए ये इसका माइनस है, ये इसका माइनस है। सो अब बताओ अगली चीज मेरे को, मेरे दिमाग में क्या आ रही है अगली चीज? कोई नहीं आकाश, अगली चीज मेरे दिमाग में क्या आ रही है कि यार मेरा जो अभी एक्सप्रेशन है उसमें अल्फा भी है और उसमें अल्फा बाई टू भी है, जबकि जो मेरा LHS का जो एक्सप्रेशन है, LHS का एक्सप्रेशन है I plus A. I is an identity matrix, A is an matrix जिसके अंदर angles है कुछ कुछ, लेकिन सारे angles alpha by 2 है। तो अब मेरे दिमाग में जो अगली चीज आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि एक अल्फा और अल्फा बाई टू दिख रहा है, बट हमको जहां पे जाना है वहां पे सिर्फ अल्फा बाई टू है। अभी आपके घर पे अल्फा भी है और अल्फा बाई टू भी है, लेकिन आपको जहां जाना है वहां अल्फा बाई टू सिर्फ प्रेजेंट है, तो यहां से भी किसको लेके जाओगे? अल्फा बाई टू को लेकर जाओगे। तो यहां मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि एंगल्स को मैं कन्वर्ट करूं। दीप ऑब्वियसली विल ट्राई टू कन्वर्ट साइन और कॉस इन टर्म्स ऑफ 10, बट फर्स्ट थिंग
कि मुझे एंगल्स को हाफ जो दिख रहा है ना, जैसे कि साइन अल्फा हो गया, दिस साइन अल्फा, दिस कॉस अल्फा, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा अल्फा बाई टू में। ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है, जो आपका सपना है, उस सपने में सिर्फ अल्फा बाई टू प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ अल्फा बाई टू प्रेजेंट है। तो इसीलिए अब आपको कुछ कुछ फॉर्मूला याद करने होंगे। आदर्श, आदर्श अनम्यूट करना। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, अनम्यूट करो, चैट में ये सर लिख रहा है, कांट अनम्यूट। अच्छा ठीक है, कोई एनीवन एल्स? अंजन? यस सर। अब वापस आ गए क्या? इतना अच्छे से आवाज आ रहा है? नहीं सर, कभी कभी अच्छा रहता है नेटवर्क, कभी कभी खराब अच्छा रहता है, सुबह सुबह अच्छा रहता है, शाम को गांव में सबके बैठ के फोन ही तो चला रहे होते हैं, इसलिए नहीं चलता बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा चलो, मेरे को जल्दी से कुछ फॉर्मूलाज बताओ, हाफ एंगल वाले आपको कौन से फॉर्मूलाज याद है, मतलब एंगल को जो हम हाफ करते हैं सर, एंगल को हाफ करते हैं, साइन सी माइनस सिंगल वाला, जैसे मान लो कि मेरे पास साइन अल्फा है, अगर मैं इसको अल्फा बाई टू पे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को क्या दिख रहा है, मुझे साइन अल्फा और कॉस अल्फा ही दिख रहा है ना, तो अगर मैं उधर उस पे बात करूँ कि साइन अल्फा में अल्फा बाई टू लाना चाहता हूँ, कॉस अल्फा में अल्फा बाई टू में उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कौन से फॉर्मूलाज होते हैं? इसको एक तरह नहीं कर सकते हैं कि टेन अल्फा को हम साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा लिख दे और नीचे कॉस अल्फा एलसीएम ले लेंगे, तो सर वो कॉस अल्फा प्लस साइन माइनस उसका हो जाएगा, साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, वो उसके फॉर्मूले पे आ जाएगा सर। होल स्क्वायर कहाँ होगा? आप जब करोगे तो साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू होगा, आप जो कह रहे हो वो आप ये कुछ ये कह रहे हो, आप एलसीएम लोगे तो कॉस अल्फा बाई टू का एलसीएम आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ आपके पास आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, ये रहेगा सर। तो उसको लिख सकते हैं ना, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, वो तो वैसे हो जाएगा। हाँ तो वैसे ही हम कर लिए हैं सर, वैसे कर लिए। ओके तो पहले एक बार अंजन वाला मेथड डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग, किसी के दिमाग में आया होगा कि उसने अल्फा को अल्फा बाई टू में कन्वर्ट किया होगा, तो पहले चलो अंजन वाला अप्रोच फॉलो कर लेते हैं। अंजन क्या कर रहा है कि जो जहां जहां आपको टैन दिख रहा है, जहां जहां टैन दिख रहा है उसको साइन और कॉस में उसने ब्रेक किया, और उसके बाद वो एलसीएम ले रहा है, ठीक है। तो पहले वाले में अगर आप एलसीएम लेते हो तो ऑब्वियस बात है कि हर केस में डिनोमिनेटर में टर्म कहां से आएगा, टैन से आएगा, तो हर केस में हमारा एलसीएम क्या होने वाला है, एलसीएम होने वाला है कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। अगर यहाँ पे आया है गाइस, तो आप समझ सकते हो कि ए टू टू में भी वही रहेगा, क्योंकि दोनों सेम है। ओके, ऊपर वाले में अगर एलसीएम लेते हो तो सेम फंडा रहेगा, द एलसीएम विल बी कॉस अल्फा बाई टू, एंड यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू, और यहाँ पे भी वही चीज होगी लेकिन माइनस साइन के साथ, तो यहां पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, अब आते हैं इसको फर्दर सॉल्व करने के ऊपर। कौन सा फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है सिद्धांत, कौन सा फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है यहां पे? Any idea? Formula भूल गए हो? अब इतना feel तो हो गया कि शुरुआत में हमने एक topic पढ़ा जिसमें trigonometry
आपको हॉन्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं, तो रिवाइज करना शुरू कर दो। फॉर्मूलास का रिविजन बहुत जरूरी है ट्रिगोनोमेट्री का। ओके गाइस, तो इट्स कॉस सी, अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक अल्फा को अगर ए मानो, अल्फा बाई टू को बी मानो, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, तो दैट विल गिव यू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, और उसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक कॉस अल्फा बाई टू था। सेकेंड वाले पे आओगे तो सेकेंड वाले में अगर देखोगे तो इट्स लाइक आप ये कह सकते हो, जब जब दोनों कॉस प्लस दोनों साइन या दोनों कॉस माइनस दोनों साइन होता है तो वहां पे कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी लगता था, लेकिन जब साइन कॉस का ऑल्टरनेट है, इट्स लाइक साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वहां पे साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी लगता था। तो ये चीजों के ऊपर मैं दोबारा तो डिस्कशन करूंगा नहीं, मुझे देख रहा है कि सेकेंड वाले का जो न्यूमरेटर है वहां पे साइन कॉस के ऑल्टरनेट है और माइनस का साइन एक जगह, तो दैट विल बी साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी होगा तो साइन अल्फा बाई टू आएगा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू होगा। सिमिलरली यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू होगा डिवाइडेड माइनस कॉमन लेंगे ना ऊपर, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, ठीक है, और यहाँ पे कॉस अल्फा बाई टू होगा, एंड लास्टली यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, ये तो फिर से सेम चीज। तो अब ऊपर ये तो कट के वन हो गया, ये तो वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो ये वन लिख दिया यहाँ पे, ये वन लिख दिया, फिर माइनस साइन बाई कॉस, माइनस साइन बाई कॉस टेन होता है, दोनों एंगल्स भी सेम है, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू हो गया और यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू हो गया। तो यहां तक तो हम आ गए। अब आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था कि ये आई प्लस ए के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें से आई बाहर निकालेंगे। अगर आप यहां से आई बाहर निकालोगे, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आप इसको बाहर निकाले और प्लस लगाए हो तो आप बताओ कि यहाँ पे क्या डालना होगा ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। तो ऑब्वियसली वन ऑलरेडी आ चुका है, तो इधर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सो दैट दिस वन प्लस जीरो शुड गिव यू वन, तो वहां पे कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सेम फंडा यहाँ पे भी लागू होगा गाइस, यहाँ पे भी जीरो आएगा, ताकि वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। अब आते हैं टेन वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे हमने जीरो रखा हुआ है और हमको माइनस टेन अल्फा बाई टू चाहिए और एडिशन का साइन है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी माइनस टेन अल्फा बाई टू आएगा और सेम उस तरीके से यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू होगा। तो खुद ब खुद यहाँ पहुंचे हैं, एक्सप्रेशन को देखे तो कोशिश किया आई बाहर निकालेंगे तो जो बचा हुआ पार्ट था वो ऑटोमेटिकली ए निकल कर आ गया, जो बचा हुआ पार्ट था वो ऑटोमेटिकली ए निकल कर आ गया, तो दिस इज इक्वल टू आर एच एस। I hope this is clear to everyone. A plain and simple question. A plain and simple question जहाँ पे हम लोग ने tan को sin और cos में break किया, LCM लिया, formula लगाया, formula सिर्फ और सिर्फ दो ही तीन formulas लगे हैं, एक cos of a plus b, cos of a minus b का, दूसरा sin of a plus b and तीसरा sin of a minus b। तो इन तीन formulas का use हुआ है और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। जो मैं दूसरा मेथड बता रहा था वो मैंने कल जब बोर्ड्स वालों के साथ डिस्कस कर रहा था, उनका भी इस क्वेश्चन में डाउट आया था, तो मेरा जो वहां पे अप्रोच था गाइस, वो अप्रोच ये था, आप ये ट्राई कर लेना, मैं पूरा बताऊंगा नहीं, टाइम ऐसे वेस्ट हो जाएगा, अगर फंसोगे तो कल बोर्ड वालों का वीडियो देख लोगे तो भी पता चल जाएगा। तो मेरा टारगेट यहाँ पे ये था कि जो साइन अल्फा दिख रहा है, इस साइन अल्फा को हम हाफ एंगल्स में लेकर जाएंगे, तो आई विल गेट टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, आ रही बात समझ में, आई विल गेट टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, और जो कॉस अल्फा है इसको भी हम हाफ एंगल में लेकर जाएंगे। तो आप याद करो गाइस, कॉस टू थीटा होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम cos square को sin square में कन्वर्ट करते तो 1 माइनस sin square लिखेंगे और माइनस sin square पहले से प्रेजेंट होता है, तो ये 1 माइनस 2 sin square हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप sin square को cos square में लाते तो ये 2 cos square हो जाते। तो इस फॉर्मूलास को इसमें से फिर हमने डिसाइड किया कौन सा फॉर्मूला उठाएंगे, तो हम उठाएंगे cos वाला, हम उठाएंगे cos वाला, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 cos square alpha by 2 minus 1। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में जैसे कि tan को ओपन करते हो, हाँ साथ ही साथ tan अल्फा बाई टू को sin अल्फा बाई टू और cos अल्फा बाई टू में ही रहने दो,
साइन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा बाई टू में ही रहने दो। तो इन तीन चीजों से भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस वाले अप्रोच में मेरा थॉट प्रोसेस बस इतना ही था कि मेरा जो डेस्टिनेशन है वहां पे हाफ एंगल लग रहा है, हाफ एंगल है एक्सप्रेशन में, तो मैंने इसीलिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा को हाफ एंगल्स में कन्वर्ट किया और खुद सेम इस तरीके से फिर मेरा एक्सप्रेशन निकल कर आ गया था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, 19 में अभी जैसे आनंद मैंने आपको एग्जांपल नंबर वो एग्जांपल बताया था, सेम फंडा यहाँ पे भी लगाओगे यार, तो इसको मैं प्रॉपर लिखने में अभी टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। आप देखो कि एक फंड वन है और एक फंड टू है, तो ट्रस्ट फंड दो जगह पे 30,000 रुपए लगाना चाहते हैं, दो अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड्स में, ठीक है। बॉन्ड बेसिकली एक तरीके से सिक्योरिटीज होती है जहाँ पे इंटरेस्ट फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट। तो द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7%। अच्छा, पहली लाइन मिस कर गया, पहली लाइन कह रहा है कि वो जो फंड है वो टोटल 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो 30,000 इन्वेस्ट करना चाहता है इन टोटल। तो अगर हम पहले फंड में एक्स रुपीज मानेंगे तो दूसरे फंड में कितना होगा, 30,000 माइनस एक्स रुपीज होगा, 30,000 माइनस एक्स रुपीज होगा, पहली चीज। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट अगर देखोगे तो फंड वन में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 5% का, और फंड टू में इंटरेस्ट रेट कितना है, वो इंटरेस्ट है 7% का, ठीक है। अब ऐसे सोचो गाइस कि अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे हो एफडी में और एफडी आपको 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा वहां से एक साल के एंड में, आपको मिलेगा 5% ऑफ 10,000, 500 रुपए मिलेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज अमॉन्ग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ, दो सिनेरियोस दिया, 1,800 रुपए अगर चाहिए उसको एक साल का टोटल इंटरेस्ट, तो उसको कितना कितना कैटेगरी में डिवाइड करना, कैसे कैसे डिवाइड करना होगा, और अगर उसको 2,000 रुपए चाहिए टोटल इंटरेस्ट तो उसको कैसे कैसे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे जो सिंपल सा थॉट प्रोसेस मेरा चलेगा, सिंपल सा थॉट प्रोसेस, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भूल जाओ पहले, टोटल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू फंड वन इनटू रेट आर वन लिख लेता हूं प्लस फंड टू इनटू आर टू, क्योंकि अगर मैं ही आपसे पूछूंगा कि बताओ आपको कितना ब्याज मिलेगा टोटल, आप क्या बोलोगे कि अच्छा सोचोगे कि एक्स वाले पे 5% है तो वहां से मिलेगा 5% ऑफ एक्स, वहां से मिलेगा 5% ऑफ एक्स, और जो दूसरा है 30,000 माइनस एक्स उस पे मिल रहा है 7%, उस पे मिल रहा है 7%, तो 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स। तो यहां पे एक तरीके से ये वाली जो वैल्यू थी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, फिर ये वाली जो वैल्यू थी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, और फाइनली हम इसको ऐड कर रहे हैं, फाइनली हम इसको ऐड कर रहे हैं। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे जाओगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग एलिमेंट वाइज पहले चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट वाइज पहले चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको ऐड करते जाते हैं। तो जैसे मान लो एक रो होता था एक कॉलम होता था, रो में भी दो एलिमेंट है कॉलम में भी दो एलिमेंट है, तो रो और कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है प्लस रो और कॉलम का दूसरा मल्टीप्लाई ऐड आता है, मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों का पहला एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस दोनों का दूसरा एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ वैसा ही केस बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। आकाश कह रहा है कि इसका मुंह जबानी आंसर आ जा रहा है लेकिन बोर्ड्स के लिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि अगर आपको एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में तो आई डोंट सी मोर देन 2 मार्क्स, ठीक है, मोर देन 2 मार्क्स, किस्मत अच्छी है तो 2 मार्क्स। तो आपका फंडा क्या रहना चाहिए कि पहला लेट ए बी द मैट्रिक्स, लेट ए बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द फंड और रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फंड ए एंड फंड बी, फंड ए एंड फंड बी,
और फिर आप यहाँ पे ए मैट्रिक्स को लिखोगे। मान लो हमने ए मैट्रिक्स को लिखा है एक्स एंड अच्छा दो रोज वाला नहीं लिख सकेंगे, गलत हो जाएगा। और सिमिलरली आप आकाश बी वाला जो होगा, बी वाला मैट्रिक्स क्या होगा, वो आपका रेट बताएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका बी हो जाएगा यहां पे 5% 7%। अब बताओ मैंने सही लिखा है क्या? क्या मैं यहाँ पे फिर ये कर सकूंगा 5 और 7 लिखा, मतलब एक एलिमेंट को मैंने रो में लगाया, एक को मैंने कॉलम में लगाया, तो जो मेरा टोटल में टोटल इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट दैट विल बी इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ए क्रॉस बी? टेल मी, क्या ए क्रॉस बी पॉसिबल है यहाँ पे? Because this is 1 into 2 and this is 2 into 1. Possible hai kya? Possible hai, right? Ab yahan pe humne aisa banaya hai isko ki iska jo result aayega na, iska jo result aayega, wo ek 1 cross 1 matrix aayega. Matlab ek value aayegi. Aur dhyan se dekho jo main samjha raha tha. Jaise muh zabani aapne kya kiya? Aapne yahi kiya 5% of x plus 7% of 30,000 माइनस एक्स, तो यहां पे भी आपको वहां से एक ही एलिमेंट मिलेगा, वहां से भी आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा, राइट? तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा अब आकाश, तो टोटल इंटरेस्ट ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रहेगा यहां पे 5 के जगह 5% डालना, ठीक है, 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, 30,000 ऑफ माइनस एक्स। अभी बताता हूं आनंद, तो ये मेरा एक सिंगल एलिमेंट हो गया। अब अगर आपको केस वन दिया हुआ है 1800 रुपए, तो आपका इक्वेशन उसी के हिसाब से हो जाएगा, 1800 इज इक्वल टू 5% ऑफ एक्स प्लस, अच्छा इसको ब्रेक कर लो, तो मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो एलसीएम वगैरह लेंगे या कुछ कुछ ये करेंगे, वैसे तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करोगे तो चलो मैटर नहीं करेगा, बट मैं इस क्वेश्चन को, मैं परसेंटेज को कैसे डील करता हूँ, मैं उसको एक सिंपल नंबर की तरह डील करूंगा, 7% ऑफ 30,000। अब 30,000 का 1% 300 रुपया होगा, तो 7% 2100 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पे 2100 आएगा, माइनस माइनस 7% ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो मैं 1800 को राइट हैंड साइड ले आऊंगा और 7% और 5% को लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा। अच्छा दूसरा चीज, ये देखो ये प्लस 5% है, ये माइनस 7% है, तो इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस 2% होगा, राइट साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, राइट साइड भेजोगे तो प्लस 2% हो जाएगा, और यहाँ 1800 को इधर भेजे हो तो 300 हो गया। तो अगर किसी चीज का 2% 300 रुपया है, इसका मतलब उसका 1% 150 रुपया हुआ, और अगर 1% 150 रुपया है तो उसका 100% कितना होगा, तो 150 इंटू 100 15,000 हो जाएंगे, 15,000 हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। सेकंड, आनंद अभी पूछ रहा था, आनंद राज आनंद कुमार पूछ रहा था कि सर हम लोग ए मैट्रिक्स को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो आनंद, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन फिर आप बी मैट्रिक्स को आनंद ऐसे नहीं लिख पाओगे, बी मैट्रिक्स को फिर आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज और भी चीजें बताता हूं, तो आपको ये यहां पे ये क्लियर हो जाएगा कि आपका बी मैट्रिक्स जो होगा वो बी मैट्रिक्स आपका होगा 5 और 7 के फॉर्म में। सेकेंड चीज आनंद, ये भी यहां होगा कि यहां पे आप फिर ए क्रॉस भी नहीं कर पाओगे, आप यहां पे ए क्रॉस भी नहीं कर पाओगे, आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, बी क्रॉस ए करना पड़ेगा। और ये बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना होगा, क्लियर है आनंद? बताओ
चलो डन। अब ये 1800 जैसे लिया वैसे ही आप उसको 2000 का भी केस लेकर सॉल्व कर सकते हो। ये बोर्ड्स में ही आएगा, जेई में कोई चांस नहीं। सेम क्वेश्चन नंबर 20 है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे द बुक्स हैज 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स, सेलिंग प्राइसेस दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट, टोटल अमाउंट। तो गाइस यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या होगा, नंबर ऑफ बुक्स, सेम लॉजिक है ना, नंबर ऑफ बुक्स इंटू कॉस्ट पर बुक, कॉस्ट पर बुक। तो आपको ये पता चल गया कि इसको एक मैट्रिक्स का नाम दे दो, इसको दूसरे मैट्रिक्स का नाम दे दो, यहां से आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, यहां से आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे पिछले वाले में टोटल इंटरेस्ट मिला था, यहां पे टोटल कॉस्ट होगा। तो उसी तरीके से एक वैल्यूज मान लो 10 दर्जन है तो ये 120, 96 एंड 120 अगेन, और यहां पे वैल्यूज डाल देना। अच्छा इसको पहले लिखना होगा, ठीक है इसको पहले लिखना होगा। यहाँ पे हो गया 80, 60, 40, और आपको दिस इंटू दिस करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस करना पड़ेगा ताकि आपको एक सिंगल वैल्यू मिले। बस इतना ही तो है, इसमें रिपीटिशन है ये 19 का, ठीक है रिपीटिशन है यार ये, अब दोबारा ट्राई करना हो जाना चाहिए। आते हैं 21, 22 पे। 21, 22, 21 थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। चलो 21 भी मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। सर आप बोले कि सर वैसे भी मल्टीप्लाई किए थे तो सिंगल वैल्यू यार। नहीं अभी जो मैंने स्टार्टिंग में जो लिखा था ना, मैंने पहला मैट्रिक्स लिखा था 3x1, अब मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिखा है 1x3, ठीक है निधि। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी मेरा कहने के लिए जो एलिमेंट आएगा वो 3x3 फॉर्म का आ जाएगा ना, समझो। सर हम समझ गए, हम क्या किए कि मतलब बुक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में लिखे और कोस्ट को वर्टिकल मैट्रिक्स में, इसलिए मेरा वैसे करने पे हाँ। नहीं तो बस ये ध्यान रखना कि अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है और आपको सिंगल एलिमेंट चाहिए तो आप इसको अगर ए नाम देते हो, इसको बी नाम देते हो, तो आपको बी क्रॉस ए करना पड़ेगा उस केस में। बस बी क्रॉस ए कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ, आते 21 के ऊपर गाइस। अच्छा 21 में बहुतों को दिक्कत हुई थी, देखो कौन कौन था ताकि थोड़ा सा आइडिया हो फिर मैं आपसे कुछ पूछ सकूं। ओके आनंद राज 20 हो गया ना, 21 हाँ ठीक है। चलो अंजन एक बार अनम्यूट करो खुद को। यस सर। अंजन अगर मेरे को पी वाई को डिफाइन चाहिए, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन चाहिए, पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन का मतलब इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को भी डिफाइन होना पड़ेगा कि नहीं? यस सर बिल्कुल होना पड़ेगा। तो पी वाई बताओ, पी वाई को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होगी? पी मैट्रिक्स है मेरा कितने का, इसका ऑर्डर है पी क्रॉस के, और वाई मैट्रिक्स है 3x k। तो इसको देखकर क्या लग रहा है आपको, अगर ये डिफाइन होना है तो क्या चीज होनी होना पड़ेगा यहाँ पे? k equal to 3 पहले तो ये होना पड़ेगा, ठीक है? Yes। और जो मेरा py मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो मैट्रिक्स कितना आएगा? p into k का फॉर्म में आएगा, राइट। और एक चीज हमको मिल गया कि k का वैल्यू 3 है, तो मैं इधर से k के जगह पे 3 लिख देता हूँ। सिमिलरली आते सेकंड वाले पे y into z, w into y वाला, तो y तो अभी भी मेरा 3 into k, अब k तो आ चुका है तो मैं 3 into 3 लिख रहा हूँ। w की बात करें तो w का हो गया मेरा n into 3। सेम फंडा बताइए कि यहाँ पे तो ये ऑलरेडी इक्वल दिख गया तो ये तो डिफाइन होगा, और यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना होने वाला है? n into 3। और उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अब दो मैट्रिसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए कि नहीं? सर होना चाहिए, होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो पी वाई का ऑर्डर है पी क्रॉस 3 का और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर है एन क्रॉस 3 का, तो दोनों में तो कॉलम सेम है। यस सर। तो उस हिसाब से दोनों के रोज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो हमारे को फाइनली क्या इंफॉर्मेशन मिला, एन इज इक्वल टू पी एंड के इज इक्वल टू 3।
तो इसीलिए उस हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, और दूसरा वाला अगर देखोगे तो दूसरा वाला सर वाई में 3-2 है। कौन सा वाई में? ये देखो, ये वाई है सेकंड, और यहाँ पे सेकंड है 3×k। क्लियर है? सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट 22। 22 में सिंपल कह रहा है 7x-5z। अब 7x स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करते तो ऑर्डर चेंज होता नहीं है, तो पूरा लॉजिक किस पे जाएगा? x माइनस z के ऊपर जाएगा, क्योंकि 7x के लिए जो कंडीशन चाहिए और 5z के लिए जो कंडीशन चाहिए, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू x माइनस z। अब x का बात करें तो x का ऑर्डर है 2×n का, और z का बात करें तो z का ऑर्डर है कितना? तीसरा 2×p का। तो हमको ऐसे भी दिख रहा है कि ये एलिमेंट अगर हम लोग चाहते हैं कि ये डिफाइन हो, तो उस केस में n हैज टू बी इक्वल टू p, n हैज टू बी इक्वल टू p, और ये इन्होंने भी वही दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि इसका डिफरेंस का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका डिफरेंस का ऑर्डर गाइस या तो 2×n होगा ऑप्शन में, वो जाएंगे, या फिर 2×p होगा, वो जाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और क्योंकि n और p का वैल्यू सेम दिया हुआ है, तो अगर ऑप्शन में 2×n होगा वो मार्क करेंगे, 2×p होगा वो मार्क करेंगे। तो पहला p×2 है गलत, दूसरा 2×n है यही हो गया सही, n×3 गलत, p×n गलत। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं था, ये ज्यादा इजी था, इतना ही सोचना था कि मेरे को नहीं n पता है नहीं p पता है, लेकिन दोनों वैल्यू सेम है। अब तो दोनों जो भी होगा लेना देना नहीं है, इतना ही होगा कि ऑप्शन में या तो 2×n होगा या फिर 2×p होगा। Is this clear, please, everyone? आगे बढ़े फिर। अंजन आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो इसी के साथ पैतालीस मिनट तो निकल गए इसी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, क्या किसी ने सॉल्व किया है? यस निधि, बताओ कितना आंसर आया था? सर ऑप्शन सी आया था। ऑप्शन सी आया था, बाकी लोग यहाँ पे जो सिक्स है वहां पे सिक्स आई लेकर के बना है तब आया। एग्जैक्टली, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा गाइज, ये मैंने जब आपको फाइल दी थी ना, तो इस फाइल में ये क्वेश्चन प्रेजेंट था लास्ट में। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्चुअली में क्या होगा, तो आप देखो कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x²-5x+6। तो ये एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स के जगह पे ये रखोगे -5a+6। अब 6 एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 6 × i, व्हिच इज एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, 15 नंबर 3.26। अच्छा, ओके ओके ओके। तो वैसे हम फिर से सॉल्व के ध्यान नहीं दिए थे, इतना तो ध्यान होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे एनसीईआरटी 2-3 दिन पहले सॉल्व कर लिए थे, और ये कल रात में किए थे, इसलिए ध्यान पे नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो तो गाइस अब आगे बढ़ते अपन। Let's start the next concept, which is, अच्छा, meanwhile, let me check कुछ questions अगर अभी तक कुछ active level के। चलो अभी पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं।
So what is transpose of a matrix? Given a matrix A, the matrix obtained by change obtained from A by changing its rows into columns and columns into rows. तो कहने के लिए जब हम कॉलम्स और रोज का प्लेस को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज, चेंज नहीं इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये ए मैट्रिक्स देखिए, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चार कॉलम्स है, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर। जब इन चार कॉलम्स को हमने चार रोज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कॉलम वन अब कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, कॉलम टू यहां पे आ गया, कॉलम थ्री यहां पे आ गया एंड कॉलम फोर यहां पे आ गया, तो अब तो ये रोज बन गए एक तरीके से, अभी एक तरीके से रोज बन गए। तो सिंपल सी चीज है, मान लो मैंने आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया है, आपने उनके सारे या तो कॉलम वाइज देखो या रो वाइज देखो, आप सारे कॉलम्स उठाए हो, पहला कॉलम को पहला रो बना दिए, दूसरा कॉलम को दूसरा रो बना दिए, तीसरे कॉलम को तीसरा रो, इस तरीके से अगर आप चेंज करते जाओगे और सारे कॉलम्स को कवर कर लोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। आकाश, ऑर्डर इंटरचेंज करना मतलब ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, हम एक्चुअली में क्या करते हैं, हम कॉलम्स को रोज में शिफ्ट कर देते हैं, एलिमेंट्स को उसी तरीके से शिफ्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे ऑर्डर में इंटरचेंज ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। क्या इंटरचेंज होता है कि पहले जो ये 2x4 का था, पहले जो 2x4 का था वो अब 4x2 का हो गया, पलट गया, क्योंकि पहले जितने नंबर ऑफ रोज थे अब उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, पहले जितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे अब उतने नंबर ऑफ रोज हो गए, तो इसलिए ऑर्डर एकदम पलट जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि डज इफ ए इज ऑफ द टाइप m x n देन ए ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज विल बी ऑफ द टाइप n x m। ठीक है ना। अच्छा, सिंबल में भी इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए सिंबल्स, कि इन सिंबल्स इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। अब जब गाइस यहां पे ऐसे लिखा हुआ रहता है ए इज इक्वल टू छोटा सा एक ब्रैकेट देके ए आई जे लिखा जाता है और यहाँ पे एम क्रॉस एन डाला जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो ए आई जे है वो एलिमेंट्स के बारे में बता रहा होता है और बाहर जो एम क्रॉस एन है वो पूरा ए मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो जब हम यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, इंटरचेंज करते हैं जो ट्रांसपोज बनता है, अब उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर ऑफ द फॉर्म ए जे आई, दे आर ऑफ द फॉर्म ए जे आई, बिकॉज हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो ए 12 में था वो अब ए 21 पे आ जाता है, जो ए 13 पे था वो अब ए 31 पे आ जाता है, तो कहने के लिए आई जे जो है रो का पोजिशन और कॉलम का पोजिशन इंटरचेंज हो जाता है ना, तो आई जे भी इंटरचेंज हो जाते हैं, आई जे भी इंटरचेंज हो जाते हैं, और साथ ही साथ ये बाहर मेरा ऑर्डर हो गया n क्रॉस m का। ठीक है ना। तो और इसको हम क्या पढ़ते थे, इसको कैसे पढ़ते थे, i रो का j कॉलम वाला एलिमेंट, इसको कैसे पढ़ोगे, j रो का i कॉलम वाला एलिमेंट, दोनों का ये हमारा पढ़ने का जो तरीका होता है। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि a ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए आई जे, ये सॉरी a डैश, यहाँ पे ये छोटा सा सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पे, ए डैश आई जे लिखा हुआ है। ठीक है, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज इक्वल टू ए जे आई, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ए जे आई लिखा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, क्लियर है ना, कि बस हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते तो पहले ऑर्डर n क्रॉस n होता है मैट्रिक्स का, तो वह n क्रॉस m हो जाता है, वो n क्रॉस m हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला, अगर एक मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया उसके बाद दोबारा ट्रांसपोज किया तो उसके कारण आपको ये जो वैल्यू आएगी वो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही रहने वाली है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं इसको जल्दी से समझाने के लिए, मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं गाइस क्या आएगा बताना, एनीवन? आकाश, आकाश का तो चलो आवाज थोड़ा खराब हो रहा है, आद्या बताइए, अगर हम ए ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, कॉलम वाइज बता रहे 1 2 3 4।
कॉलम वाइज तो पहला कॉलम में 1 2 आ जाएगा और दूसरा कॉलम में 3 4 आ जाएगा, राइट। अच्छा अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, जो मैट्रिक्स आपने बताया उसका ट्रांसपोज लेता हूं, अब बताइए फिर से कॉलम वाइज बताइए। 1 3 2 4 1 3 2 4, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारा ये जो रो था ये अब यहाँ पे कॉलम बन गया, राइट। सिमिलरली ये जो यहाँ पे रो था ये अब यहाँ पे कॉलम बन गया, रो टू जो था वो कॉलम टू बन गया। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो सबको ही कि ये फाइनली मेरा ए मैट्रिक्स ही आ गया, ए मैट्रिक्स ही आ गया, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हो, दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू इंडिविजुअल मैट्रिसेस का पहले आपने ट्रांसपोज किया और फिर उनको ऐड किया। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो डैश है ये दोनों पे उतर आया, ठीक है, दोनों पे उतर आया। अंतर समझो दोनों के बीच में। आदर्श का कहना है कि सर इज इट अप्लाइड फॉर 3 एलिमेंट्स? यस आदर्श, ये एनी नंबर, मतलब मान लो कि a1 a1 plus a2 plus a3 dot 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 till an, अगर ये सारे मैट्रिसेस का एडिशन करने के बाद आप उनका ट्रांसपोज ले रहे हो, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू a1 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस a2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस a3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और उसके बाद उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, आदर्श कह रहा है कि तीन, हाँ आदर्श दैट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। मैंने एग्जांपल अपना जल्दी करने के लिए मैंने 2x2 का लिया था, आप उसमें कोई भी ले सकते हो, आप 7x9 भी ले सकते हो, 7x9 वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे क्योंकि कोई कंडीशन थोड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो मतलब एक का ऑर्डर कुछ भी चलेगा, ए कंडीशन दिया ही नहीं है कुछ भी। तीसरी चीज के इंटू ए, अब ये समझ रहे हो कि ए मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई हुआ और फिर उसका ट्रांसपोज लिया गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू, आप चाहो तो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और फिर उसके साथ स्केलर को मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद स्केलर को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट ए बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए बी मैट्रिक्स का ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन में जो चीजें हैं उनका ऑर्डर पलट जाता है, जैसे पहले देखोगे तो ए पहले लिखा हुआ था, बी बाद में लिखा हुआ था। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, हमने डिस्कस किया था पहले, ए बी जनरली बी ए के बराबर नहीं होता, कुछ केसेस में होता है बट ज्यादातर केसेस में नहीं होता। तो यहाँ पे ए कह सकते प्री मल्टीप्लायर है, बी पोस्ट मल्टीप्लायर है और उसका हम ट्रांसपोज ले रहे थे, दैट इज इक्विवेलेंट टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो बी जो था वो पोस्ट मल्टीप्लायर था पहले, लेकिन बी ट्रांसपोज अभी प्री मल्टीप्लायर हो गया है, पहले लिखा जा रहा है, और जो ए था वो पहले प्री मल्टीप्लायर था, ए ट्रांसपोज लेकिन पोस्ट मल्टीप्लायर हो गया, वो बाद में लिखा जा रहा है, ठीक है ना। और ये अगेन दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सच केसेस, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे a1, a2, a3 से लेके an, a1, a2, a3 से लेके an पूरे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज, दैट इज इक्विवेलेंट टू, अब इंडिविजुअल मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेना चाहते हो तो ऑर्डर को पलट देना है, मतलब जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ था वो अभी सबसे पहले लिखा जाएगा और उसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, जो सेकेंड लास्ट में लिखा हुआ था वो अब यहां आ जाएगा और जो एकदम फर्स्ट में लिखा था a1 लिखा हुआ था वो अब एकदम लास्ट में आ गया। आ रही है बात समझ में? तो एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे ए बी सी डी ये कोई मैट्रिसेस थे, ठीक है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसका अगर मेरे को ट्रांसपोज लेना है, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज वी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। एंड लास्टली 5, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, If A is an invertible matrix, ये थोड़ा सा हम लोग अभी मैंने आपको inverse of a matrix क्या होता है नहीं बताया, तो इसको हम लोग थोड़ा time बाद देखेंगे,
ठीक है ना, थोड़ा टाइम बाद जब इनवर्स पढ़ा रहा हूँ इनवर्स की प्रॉपर्टीज पे आएंगे ना तो वहां पे ये चीज आ जाएगी, तो इसको अभी थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर फॉर नाउ। जब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे इनवर्स की प्रॉपर्टी में जरूर आएगा, ठीक है गाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, कह सकते हो कि पहला कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से ट्रांसपोज किए तो वही मैट्रिक्स निकल कर आता है, फिर ये एडिशन वाला रूल और ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, ठीक है। अच्छा इससे पहले मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा आपको, क्योंकि स्टार्टिंग से आई थिंक 8 बजे से 9 बजे तक बोलते जा रहा हूँ, थोड़ा सा बोर्ड लग सकता है। एक क्वेश्चन कीजिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, इफ ए इज इक्वल टू तो ये 3x3 है, ठीक है ना, ये 3x3 है एंड चलो तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई, ए ट्रांसपोज इनटू ए मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। नोट कीजिए जल्दी से, अच्छा गाइज आई बिलीव आप लोगों ने अभी तक जो क्लास हुई है एटलीस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर के क्वेश्चंस आरडी शर्मा से सॉल्व कर लिए हैं, बिकॉज वहां से शुरुआत कर दो थोड़ा सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अच्छा होगा कंटेंट आई थिंक आरडी शर्मा में। कोई डाउट वगैरह होगा तो हम एक डीएसएस भी प्लान कर सकते हैं फिर कल के दिन में। मल्टीप्लिकेशन वाले में मैथमेटिकल इंडक्शन के भी क्वेश्चंस आरडी शर्मा, क्या वहां पे क्या कह रहे हो मल्टीप्लिकेशन वाले में आरडी शर्मा में मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस, मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व किया क्वेश्चंस को, ये कह रही हो? जी सर। अच्छा वो कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है मैथमेटिकल इंडक्शन वाले अभी छोड़कर बाकी करो, सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे ए टू द पावर 4 दिया हुआ है उसके एल से ए टू द पावर 8 निकालना है तो वहां पे पीएमआई का यूज किया होगा। मैं यहाँ पे पहला इक्वेशन जो है ना उसको मैं लिखता हूँ, ठीक है कैलकुलेशन तो आप ही करोगे आगे।
आकाश सही है, बट चेक करो, छोटी सी गलती कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो. जो आपने वैल्यू दिया वो सही है, वैल्यू दिया हुआ है सही है, लेकिन छोटी सी गलती है. वेरी गुड, अच्छे स्पीड में किए. वेरी गुड आद्या, थोड़ी सी गलती, सेम जो आकाश गलती कर रहा है वही गलती कर रहा है, और मैं गलती अभी बोल नहीं सकता. चेक करो तो लास्ट लाइन, एकदम लास्ट लाइन में ही कुछ गलती कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो कुछ. अब यहाँ पे आई हमको खुद पहचानना पड़ेगा कि इट इज अ 3x3, बिकॉज ए मैट्रिक्स 3x3 का है, उसका ट्रांसपोज भी 3x3 का ही रहेगा, और उनका प्रोडक्ट 3x3 का रहेगा, तो आई मैट्रिक्स जो इक्वल में है उसको भी 3x3 का ही होना पड़ेगा. तो आनंद ने भी कर लिया, आनंद सेम गलती कर रहे हो. आकाश अब सही है, हाँ आकाश सही है, गुड. आनंद एकदम लास्ट लाइन में देखो तो कुछ गलती कर रहे हो क्या? अंजन वाई जेड में भी वही आएगा, चलो. नहीं आद्या, जेड जीरो नहीं है. ओके सो गाइस शुरू करें. दीप, राघवेंद्र, निधि, आया आप लोगों का आंसर? रिया लेफ्ट, रविशंकर अनम्यूट करना तो एक बार. यस सर. रवि मल्टीप्लाई किए हो? सर नहीं हो रहा. हाँ क्या बोलिए, फिर से बोलो. रवि बोलो क्या बोल रहे थे. ये देखो अब ये ही ऑनलाइन का फायदा है. अभी बोल रहा था वो, अचानक खुद को म्यूट कर लिया है. रवि घर पे पढ़ाई शुरू करो. ये मल्टीप्लिकेशन है यार, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं. अभी हमने ट्रांसपोज चीज नहीं पढ़ी है, लेकिन ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है. अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको होमवर्क दिया था, पूरा एक्सरसाइज 3.2 मल्टीप्लिकेशन के ऊपर था. क्या आपने पूरा होमवर्क किया बताना एक बार, पूरा होमवर्क कंप्लीट किए हो? होमवर्क कंप्लीट किए थे रविशंकर? नहीं किए थे तो भी काहे ले पढ़ रहे हो तुम? अब मैं तुमको धीरे धीरे इग्नोर करके चलूंगा यार. तुम होमवर्क क्यों नहीं किए थे? अनम्यूट करना तो खुद को, नहीं तो मैं रिमूव करूंगा यार ऐसे. बताओ तो क्यों नहीं किए थे होमवर्क? बोलो या फिर मैं रिमूव करता हूँ यार. ये मेरे ख्याल से ये ऐसे टाइम बर्बाद करेगा. मुझे इस तरीके के स्टूडेंट नहीं चाहिए यार, जो दो दिन से होमवर्क नहीं कर रहा है. पिछले बार भी नहीं किया था आपने. मैं रिमूव करो भाग. गाइस आप लोग जेई को टारगेट कर रहे हो, और अभी आपकी क्लासेस भी कम चल रही है. हम आपका क्लासेस हमने थोड़ा लाइट इसीलिए रखा है कि घर पे थोड़ा सा पढ़ाई अच्छे से करो, पढ़ाई वाले मोड पे आओ. अगर कोई होमवर्क नहीं कर रहा है, कितने क्वेश्चन दिए थे यार? अभी तो क्वेश्चन बढ़ेंगे ही नंबर. त्रिपुरारी आपने होमवर्क कंप्लीट किया था? त्रिपुरारी होमवर्क कंप्लीट किया था आपने? अनम्यूट कीजिएगा. तो
चलो वेरी गुड. ओके अब देखो गाइस, एक दो चीजें ना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा. क्या आप जेई को टारगेट कर रहे हो? अगर आप होमवर्क किए हो तो अच्छी बात है, अपने राउट्स पूछो. अगर आप होमवर्क नहीं किए हो लेकिन डांट सुनने से बचने के लिए आप बोल दे रहे हो कि मैंने होमवर्क नहीं किया, तो वो अभी तो मैं मान लूंगा, बिकॉज मैं होमवर्क चेक करने में टाइम नहीं बर्बाद करने वाला. और वो कहीं ना कहीं आप अपने करियर के साथ ही खेल रहे होगे, क्योंकि अगर आपने होमवर्क नहीं किया, नहीं तो आप बोर्ड्स लेवल के लिए बचोगे, नहीं आप जेई लेवल के लिए बचोगे. अच्छा मीनवाइल चलो मैं इसका, आई बिलीव सबने मल्टीप्लाई किया होगा. सबका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद व्हाट यू शुड गेट, मल्टीप्लाई करने के बाद आई एम राइटिंग द फाइनल स्टेप, ठीक है ना. आई एम राइटिंग द फाइनल स्टेप. यू शुड गेट 2x² 0 0, फिर यहां पे आएगा 0, यहां 6y² आएगा 0, यहां पे 0 0 3z² आएगा. आई हैव द सॉल्यूशन विद मी और मैं उसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन आपको आता है. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट. दिस इज इक्वल टू 100010 एंड 001. अब क्योंकि गाइस ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. तो यहां से हम बोलेंगे कि 2x² इज इक्वल टू 1 होगा, 2x² इज इक्वल टू 1 होगा. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² की वैल्यू 1/2. अब आप लोगों ने गलती क्या किया, आप लोग गलती कर रहे हो कि यहाँ पे रूट लगा दिया, ठीक है. लेकिन जब हम स्क्वायर को दूसरे साइड में भेजते तो प्लस माइनस का रूट आता है, तो प्लस माइनस होगा साथ में रूट आएगा. सिमिलरली y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 एंड z विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3. आप में से मैक्सिमम लोग प्लस माइनस को इग्नोर कर रहे थे, प्लस माइनस को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है. तो आई बिलीव त्रिपुरारी, निधि, आद्या, आनंद, ये हो गया होगा, ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन था, इट्स जस्ट दैट आपने कॉन्सेप्ट सीखा था ए ट्रांसपोज, उसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ और मल्टीप्लाई करके हम इक्वालिटी. तो पहला तो मल्टीप्लीकेशन लगा, दूसरा इक्वालिटी लगा. आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको. सेम टाइप का थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर जाएगा. इफ ए इज इक्वल टू अब ये जेई का एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ठीक है गाइस. चलो करो. ए मैट्रिक्स है 3x3 का, उसमें ए ट्रांसपोज इनटू ए का वैल्यू है आई. साथ ही साथ वो जो ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट ध्यान से देखो तो ए बी सी ही है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो वो तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 दिया हुआ है. एंड आपको फाइंड करना वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू. आई विल गिव यू 3 मिनट्स, 3 मिनट का एग्जैक्ट टाइम देता हूं, पानी पी के आता हूं मैं. 3 मिनट्स एग्जैक्ट.
एक मिनट दीजिए मेरे को आंसर, एक्चुअली क्वेश्चन है इधर, आंसर नहीं है, बट यह उसी के आसपास है, आप एक बार अपने स्टेप्स को वेरीफाई कर लो। दीप का अलग आंसर आ गया है, तो गाइज सबसे पहले चलो मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये सॉल्व भी नहीं है, नहीं नहीं आदर्श एक वैल्यू आएगी क्या? आदर्श एक बात बताओ, आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा है, आपने उसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिया व्हाट? ओके तो मल्टीप्लाई करते वक्त सबने इतना फील कर लिया होगा कि बेसिकली जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पे स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ रहा है, राइट? ये तो सबने पता कर ही लिया होगा मल्टीप्लाई करने के साथ साथ। तो यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड में मेरे पास आई होगा, आई का मतलब हो गया 100 010 एंड 001। तो यहां से मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या आ गया, कंपेयर करोगे दोनों साइड्स, सो द इंफॉर्मेशन विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, और एक तो ए बी सी इज इक्वल टू 1 पहले से क्वेश्चन ने दिया हुआ था। तो राघवेंद्र ने 1 आंसर किया है, दीप ने 2 किया है, निधि ने 3 किया है, दीप का -4 भी आंसर आ रहा है, आनंद का आंसर 0 आ रहा है, ये हो गया कौन बनेगा करोड़पति। ओके देखो मैं आपको सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, तो गाइस एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला याद अगर है तो ट्राई करो, तो आई थिंक यहीं से आ जाना चाहिए आंसर। अब इस फॉर्मूला के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए निकालो। अगर आप देखोगे गाइस तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो तो मिल गया, ये तो यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो वो भी मिल जाएगा, ठीक, फिर ए बी सी भी यहाँ पे है और यहाँ पे दिख रहा है, तो बचा क्या,
बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बचा ना, ए प्लस बी प्लस सी बचा। अब ये ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे, एनीवन कोई अनम्यूट करके बताएगा ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे? बताओ दीप। सर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वेरी गुड, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो ऊपर देखो वन है और ए बी बी सी सी ए वाला वो जीरो है, तो ये तो वन हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर वन है तो यहाँ से दो केसेस आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी या तो प्लस वन होगा या फिर माइनस वन होगा, या तो प्लस वन होगा या फिर माइनस वन होगा। ठीक है, तो फाइनली इन सब चीजों को अगर हम इधर पुट करते हैं ना, यहाँ पे सब चीजों को इधर पुट करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जो है, तो ए बी सी का वैल्यू तो वन है तो वो माइनस थ्री होगा। अब आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस वन है और यहाँ पे अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो वन होगा, और अगर आप ए बी बी सी सी ए के आगे माइनस है, माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, तो वो वन माइनस जीरो रहेगा। ठीक है ना, वन माइनस जीरो रहेगा। तो फाइनली गाइस अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड में मेरे पास वैल्यू है प्लस माइनस वन, और ये जो माइनस थ्री है जब इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक बार प्लस वन लेकर शुरू करोगे तो प्लस वन प्लस थ्री हो जाएगा प्लस फोर, और एक बार माइनस वन लेकर शुरू करोगे तो माइनस वन प्लस थ्री हो जाएगा प्लस टू। तो इसका दो ही आंसर होना चाहिए, या तो फोर होगा या फिर टू होगा, या तो फोर होगा या फिर टू होगा। दिख रहा है कहीं पे कुछ गलती हो रही है क्या? नेगेटिव वैल्यू तो आने का चांस ही नहीं है, दिख रहा नेगेटिव वैल्यू आने का तो चांस ही नहीं दिख रहा। ठीक है, अब इसमें और केस क्या था जो मुझे याद आ रहा है, इफ इफ ए बी सी बिलोंग टू आर प्लस कर देते हैं तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता गाइस? अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम लोग आर प्लस कर देते हैं, बिलोंग टू आर प्लस, तो उस केस में कितना होता है आंसर बताओ? इट्स वेरी क्लियर कि एबीसी में से कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू वन दिया हुआ है। सोचिए, फोर और टू में ही सही होगा। राघवेंद्र फोर कह रहा है, अंजन टू कह रहा है, निधि फोर कह रही है। सर मतलब जब ए बी और सी पॉजिटिव होगा तब फोर होगा, तब फोर होगा। और नेगेटिव वाल कैसे पता चलेगा ये आपको, कैसे कैसे पता किए हो बताओ? सर आप ए बी और सी बिलोंग तो उसका बता रहे थे कि फोर होगा। हाँ, उस केस में ये फोर होने वाला है। ठीक है, और सर नेगेटिव में टू होगा क्योंकि एक केस है ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस वन, तो उस तीनों में से कोई एक को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी ना रिजल्ट उसका नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव तक तो केस ही नहीं हो सकता ना कभी भी। आप देखो आपका a प्लस b प्लस c का, अच्छा हाँ सॉरी सही बोल रहे, आप देखो कि a प्लस b प्लस c जो हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू या तो 1 आ रही थी या माइनस 1 आ रही थी। अब माइनस 1 कब पॉसिबल है गाइस, जब तीनों में से एक कम से कम नेगेटिव हो। लेकिन अगर तीनों ही पॉजिटिव हो गए तो a प्लस b प्लस c हमेशा क्या रहेगा, a प्लस b प्लस c हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर a प्लस b प्लस c हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है अंजन, क्लियर है क्या? अगर a प्लस b प्लस c तीनों पॉजिटिव होगा, a b c तीनों पॉजिटिव होगा तो a प्लस b प्लस c हमारा पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो पॉजिटिव रहेगा तो प्लस 1 होगा। ये जो यहाँ पे प्लस माइनस 1 दिख रहा है ना,
तो ये एक्चुअली में तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई थी, ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर होगा 4. अच्छा गाइज, एक चीज पूछनी थी आप लोगों से. 9:30 हो रहा है, ठीक है, और 10 बजे एक हमारा सेशन है, तो मैं अभी क्लास को ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा. लगभग 11 बज के, एक मिनट रुकना, मैंने ना एक छोटा सा सेशन रखा है बोर्ड वालों के लिए. मैं एक्चुअली आप ये डिस्कस करना चाहता हूँ, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. इसमें आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, और इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो मुझे ना ये 3 छोटे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. तो आप लोगों की और कोई आज क्लास तो है नहीं जहाँ तक मुझे पता है, तो आप लोग बोर्ड्स सारे 11 बजे से 12:15 कर लोगे अटेंड. इससे क्या होगा ना कि हम एटलीस्ट एक और एक्सरसाइज तक का काम खत्म हो जाएगा. एवरीवन गिव मी अ थम्स अप. यस पे अच्छा यहाँ पे यस वाला ऑप्शन अभी है नहीं, चैट में बता दो, ठीक है. तो इट विल बी अ स्मॉल सेशन, मैं ज्यादा उसको खींचूंगा नहीं. माय ओनली टारगेट विल बी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एंड उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करना, ठीक है. And it is going to happen at 11:30 पे होगा. आपके पास अभी टाइम भी, आप थोड़ा सा इसको भी पढ़ लो, ट्रांसपोज वगैरह के क्वेश्चंस को करो, बिकॉज आज के दिन में और आपकी कोई क्लास नहीं है, राइट और कोई क्लास नहीं है, क्लियर है गाइस. तो मैं एक मैसेज भी डाल देता हूँ ग्रुप पे, एंड आई विल टेक अ ब्रेक, नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ. 10 बजे से सेशन है, वो सेशन खत्म होने के बाद ही मैंने क्लास प्लान की हुई है. तो बोर्ड्स वाले भी रहेंगे, आप भी आ जाइएगा. मुझे बस ये 3 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है. अच्छा आद्या, आद्या मेरे को अगले वाले सेशन के एंड में बता दोगे क्या? अभी थोड़ा सा हम लोग को अगला सेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा, नाश्ता करना होगा, टाइम ज्यादा नहीं है, अगले सेशन में बता देना, ठीक है. तो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलेंगे दोबारा 11:30 पे, ठीक, 2 घंटे बाद, ओके. चलो बाय एवरीवन. आरडी शर्मा का पीडीएफ निधि देखना पड़ेगा, नेट पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बट अच्छी वो नहीं हो सकती, फोटो अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है. चलो मैं देखता हूँ स्टिल निधि एक बार, फिर भेजता हूँ आपको. यस सर, भेज दीजिएगा, मेरा भी छपड़ा में. अच्छा, ठीक.